हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहे के वड़े। जी, पोहे से बनेंगे बहुत ही टेस्टी टेस्टी वड़े। चले बनाते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले पोहा मैंने भिगो दिया, अच्छे से धो दीजिए और इसको अच्छे से भिगो दीजिए। एकदम थोड़ा ज़्यादा पानी में अच्छे से धो के इसको अच्छे से भिगो के इसको अच्छे से मसल लीजिए। देखिए इस तरह मैंने किस तरह मसल रही हूँ। मैं ये 2 कप लिया है मैंने पोहा। फिर इसके अंदर डालेंगे हम लोग 2 बड़े ऑनियन और 4 हरी मिर्चें। बहुत ही टेस्टी लगती गाइस, और एकदम क्रिस्पी करारे, और पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो जाएगा आपके घर में बनाते बनाते। और आधा कप डाल रही हूँ मैं धनिया पत्ती, ये मस्ट है, डालिएगा बहुत ही टेस्टी आएगा। और कभी लेफ्ट ओवर पोहा से भी आप बना सकते हैं, जैसे बच जाता है पोहा उससे भी बना सकते हो। आधा चम्मच डाल रही जीरा, आधा चम्मच डाल रही हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर ज़्यादा खाते तो और डाल लीजिए, क्योंकि स्पाइस के लिए मैं मिर्ची डाली हूँ ना, इसलिए कम डाली हूँ। और आधा चम्मच डाल रही धनिया पाउडर, और ये डाल रही हूँ किंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स नमक स्वाद अनुसार। कम पड़ेगा तो मैं आप वापस डाल सकते हैं। ये है गरम मसाला जो मैंने पिछली बार वांगी बात में बताया था आपको, वो सब मिक्स वाला गरम मसाला था मेरे पास, इसलिए मैंने 1 चम्मच उसको भी डाल दिया। और ये डाल रही हूँ 2 उबले हुए आलू। देखिए कितने छोटे छोटे हैं 2 उबले हुए आलू, इसको मैं मसल के डाल रही। इससे बाइंडिंग और टेस्ट दोनों भी बढ़ जाता है। इसको डालने के बाद इसके अंदर डाल रही हूँ मैं क्रिस्पीनेस के लिए 2 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अंदर डालूंगी मैं ये 1 कप बेसन है, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। हो सकता है बेसन आपको 1 कप से भी ज़्यादा पड़ जाए, कभी कभी होता है ना पोहा गीला ज़्यादा रहने से, तो 1.5 कप भी पड़ सकता है और 1 कप भी इनफ हो सकता है। इसको डाल के एकदम टाइट डो मसल मसल के लगाइए, पानी मत डालिएगा, इसी में पानी बहुत है। मैंने पूरा 1 कप डाल दिया है, फिर भी मुझे लग रहा है कि 1 कप से ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि पोहा काफ़ी नरम मैंने भिगो दिया था। आपके पास अगर लेफ्ट ओवर आपके पास रह गया, जैसे पोहा सुबह बना दिए शाम को बच गया आपके पास, आप भी उसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे को आधा कप और लगा है बेसन, मैंने डाला है उसको, डाल के उसको मैंने गूंद दिया। गूंदने के बाद इस तरह के वड़े बना लीजिए, छोटे लियो लोई लीजिए, हथेली में फैलाइए। और आप चाहे तो जैसे प्रॉपर वड़ों का जो शेप होता है वैसे बना सकते हैं। देखिए मैं बताती हूँ, देखिए इस तरह से होल करके इसका प्रॉपर वड़ों का शेप भी बना सकते हैं। मैं तो वड़े चने दाल वड़े जैसे ही बनाऊंगी, इसीलिए मैं उसको उस तरह बना नहीं रही हूँ। इसको गोल कीजिए, देखिए इस तरह से करके इसको इस तरह फैला लीजिए। बस फैला के एक एक प्लेट में रखते चलिए, और गैस पे मैंने तेल गरम करने रख दिया है पहले से। देखिए इस तरह से वड़े बना दिए, इतना टेस्टी लगता है कि तुरंत तुरंत ख़त्म भी हो जाएगा। गैस पे तेल मैंने लगा दिया है, मीडियम हीट पे गरम कीजिएगा। जैसे तेल एकदम अच्छे से गरम हो गया तो एक एक करके डालेगा प्रॉपरली से, अच्छे से देख के डालिए गरम रहता है तेल। जितना कढ़ाई में हो सके उतना ही डालिएगा, ज़्यादा मत क्राउड कीजिए। देखिए मैं 4 डाल रही हूँ, और 5 मिनट तक तो इसको हाथ ही नहीं लगाना है, क्योंकि वो सीखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी डेलिकेटेड होता है, एकदम नरम होता है ना, तो टूट जाएगा, फिर तेल भी ख़राब, सामान ख़राब, टाइम भी वेस्ट। 5 मिनट बाद इसको पलट लेंगे हम लोग, दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन कलर तरह होने तक 5-5 मिनट में पलट अलट पलट 2-3 बार पलट पलट के सीखना है। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। कैसा बना आपसे भी पोहे के वड़े की रेसिपी? देखिए पूरा ये पलट पलट के हो गया है, मैं दोनों तरफ से इक्वली बार बार पलट रही थी 5-5 मिनट में, क्रिस्पी बनी है। और ऐसे मरून कलर होने के बाद ही निकालिए, ताकि वो ऑनियंस दिख रहे ना जो मरून मरून कलर का जो सिकती है ना, मुंह में जाते मज़ा आ जाता है जी। आप लोग दाल वड़ा भूल जाएंगे ये वड़ा खाने के बाद। अच्छा लगा एक कमेंट्स कीजिए, और लाइक मुझे ज़रूर कीजिएगा। बड़े कंजूस हो गए हो आप लोग, बनाइए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कैसा बना आपसे भी पोहे के वड़े की रेसिपी। अब मैं निकाल दे रही हूँ इन्हें प्लेट में, और उसका क्रिस्पीनेस सुनाई देगा। बताती मैं आपको, चटनी के साथ ये रेडीमेड चटनी है जो 1 महीने तक भी फ्रिज में रख सकते हैं आप, उसमें बताऊंगी मैं आपको। इसका आवाज़ सुनिए, एकदम ऑयली लेस लग रहा
सही में कितना क्रिस्पी बना है, कैप्चर कर कितना मस्त बना है, टेस्टी टेस्टी बहुत ही अमीर है। बनाए हुए अंदर से देखिए सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, और बना के देखिएगा मुझे तो बहुत पसंद है। मस्त एक बार बनाने का बनता है।